भाई मत कर मत कर भाई ये बोला था स्टंट करोगे भाई ये बाजू कर दे नहीं नहीं इधर ही पहले बात कर रहा है यो यो पहले बात कर लेता अपना अभी अंदर ना भाई पहले स्टंट करते फिर बाइट कर जाएंगे वेट वेट मत कर अंदर से ना कुछ पहना नहीं है मैंने नाइस लोग ले ले थैंक यू सो मच बहुत ज्यादा दिल का वेट किया एक मिनट बाइट कर ले अरे रुको रुकना पहले वो तो हो जाने फोटो फोटो वोटो कर लो फिर बाइट करेंगे आराम से बस बस इधर 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 चलो हो गया चलो एक मिनट रुक जा लगा लो डन ऑफ निकाल दूंगा अभी लेकिन डन 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 वो मैं क्या उठले अभी मत करो अरे थोड़ा पीछे भाई थोड़ा पीछे निभाना पड़ेगा बाल कर भाई चलो 3 वेट 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 सर भाई कोट निकाल लो 3 थैंक यू गाइस वादा किया था यार पिज्जा बना भाई थैंक यू बाद में चल जा भाई 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 कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो सलमान खान सर के साथ काम करने में वेल इट्स अ बिग बिग मोमेंट फॉर मी बिकॉज सलमान सर के साथ फिर से स्टेज शेयर करने का मौका मिलेगा मुझे आफ्टर सो मेनी इयर्स जब मैं शुरू करता था तब मैंने शेयर किया था ये मोमेंट उनके साथ एंड आज मैं आया हूँ अपना गाना प्रमोट करने यहाँ पे वल्ला वल्ला क्योंकि आप सब वल्ला वल्ला को इतना प्यार दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आई थिंक सलमान सर को भी ये गाना अच्छा लगा इसलिए हम ये गाना बिग बॉस में भी आए हैं प्रमोट करने सो आई एम सुपर डुपर हैप्पी एंड एक्साइटेड ओके सो टॉकिंग अबाउट वल्ला वल्ला योर को-स्टार जन्नत इज आल्सो हियर सो उसके साथ काम करने में कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है लाइक वी आर यू नो बेस्ट फ्रेंड्स एंड बाबला बावली वाली हमारी जोड़ी बहुत फेमस है एंड वी आर लाइक दैट ओनली एंड जब भी उसके साथ काम करता हूँ डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा कम्फर्ट लेवल रहता है हमारा सो बहुत मजा आता है ओके सो यू आर हियर इन बिग बॉस हाउस सो यू आर सपोर्टिंग समवन मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट ऐसे मैं बिग बॉस ज़्यादा देखता नहीं बट डेफिनेटली जितने भी हमारे कंटेस्टेंट हैं सब बहुत अच्छे से खेल रहे हैं और बिग बॉस वाकई ही घर के अंदर जो रह लिया मतलब समझ रहे हो उनके अंदर बहुत कुछ है यू नो पोटेंशियल है पेशेंस है एंगर है और इमोशंस भी हैं डेफिनेटली क्या आपको आने वाले समय में देख सकते हैं बिग बॉस के घर पे कभी भी देखा जाएगा देखा जाएगा अभी इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ ओके सो दो बैक टू बैक गाने आपके हिट हो चुके हैं तो उसके बारे में क्या बोलोगे क्या बोल सकता हूँ इतना प्यार मेरे फैंस मुझे देते हैं तो मैं उस चीज़ को लेकर हमेशा खुश रहता हूँ और बस अब नया साल आ रहा है तो नई नई चीज़ें मैं चाहूँगा कि हों और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स और करूँ ताकि मैं अपने फैंस और जितने मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं हमेशा खुश रखूँ और एंटरटेन करता रहूँ ओके सो हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 2023 हाउ आई एम आई डोंट नो सी हमें नहीं पता होता क्या होगा बट डेफिनेटली जब भी कोई भी प्रोजेक्ट करूँगा खुद से मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आज जो मैं हूँ उससे बेहतर बनने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट ईयर थैंक यू सो मच थैंक यू भाई स्टंट 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 वादा